आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं शादाब खान हाजिर हूं देश दुनिया की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य रईस खान पठान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को लिखी चिट्ठी। जनरल बिपिन रावत के देहांत पर जताया शोक। ओवैसी के साथ गठबंधन की खबरों का अखिलेश ने किया खंडन, कहा हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 5 मिनट का मौन रख जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। जामा मस्जिद को लेकर मोदी सरकार के बदले सुर, संसद में कहा अब नहीं कराएंगे जामा मस्जिद की मरम्मत। पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत को दी गई अंतिम विदाई। गृह मंत्रालय ने संसद में बताया मानवाधिकार मामलों में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल आया अव्वल। संसदीय समिति ने किया चौंकाने वाला खुलासा, केंद्र ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 79% राशि विज्ञापन पर खर्च की। एशेज के पहले टेस्ट में हुई इंग्लैंड की वापसी, कप्तान जो रूट और डेविड मलान की साझेदारी ने मैच में फूकी जान। यूपी चुनाव, दलित वोटों को जुटाने में लगी भाजपा, शुरू करेगी नया सामाजिक संवाद कार्यक्रम। यूनाइटेड किंगडम के न्यायाधिकरण ने सुनाया बड़ा फैसला, चीन शिनजियांग में बीगर नरसंहार का दोषी। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में 5 मिनट मौन रख जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने CDS जनरल बिपिन रावत की बड़ाई में कई नारे भी लगाए। जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों ने गुरुवार को कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा दी थी। ABP न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओवैसी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का खंडन किया है। जब एंकर रूबिका लियाकत ने सपा प्रमुख से पूछा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, क्या आप AIMIM के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल पर अखिलेश ने कहा कि इस पार्टी से समाजवादी पार्टी की कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही हम इसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार की ओर से संसद में बयान दिया गया है कि केंद्रीय सरकार दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत नहीं कराएगी। सरकार की तरफ से इसके लिए दलील दी गई है कि यह मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन नहीं आती है। अहम बात यह है कि दिल्ली की जो मस्जिदें ASI के अंतर्गत आती हैं उनमें से भी अक्सर की हालत काफ़ी ख़राब है। खिड़की वाली मस्जिद समेत कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें धूल पड़ी हुई है और चमगादड़ की लीद से मस्जिद दूषित हो चुकी है और सरकार को इसकी खबर भी नहीं। बीते दिनों इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स की एक टीम के साथ वतन समाचार ने भी कई मस्जिदों का दौरा किया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि ASI के अंतर्गत आने वाली मस्जिदें भी अच्छी हालत में नहीं हैं। इनमें नमाज पढ़ने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन नई उम्र के लड़के लड़कियों के आने की अनुमति जरूर है। राष्ट्र ने शुक्रवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को विदाई दी। दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार जनरल रावत को उनके अंतिम संस्कार में 17 तोपों की सलामी दी गई, जहां 800 सेवा कर्मी उपस्थित थे। उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार किया। जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षों में इस 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज कराए गए मानवाधिकार उल्लंघन के लगभग 40% मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। DM के सांसद M षणमुगम के सवाल के जवाब में कि क्या मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ रहे हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये NHRC था जिसे इस तरह के उल्लंघनों के बारे में जानकारी की जांच और संकलन करना अनिवार्य था। श्री राय के जवाब में NHRC द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े शामिल थे। NHRC द्वारा दर्ज अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कुल संख्या 2018-19 में 89,584 से घटकर 2019-20 में 76,628 हो गई थी, जबकि 2020-21 में ये 74,968 हो गई थी। आंकड़ों से पता चला है कि 2021-22 में 31 अक्टूबर तक 64,170 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 40% उत्तर प्रदेश से हैं। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आवंटित बजट का 79% विज्ञापन पर खर्च किया है। गुरुवार को संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया
कि 2016 से 19 की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 446 करोड़ रुपए में से 78% से ज्यादा राशि लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कल्याणकारी हस्तक्षेपों के बजाय सिर्फ मीडिया वकालत पर खर्च की गई है, पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा। हालांकि समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लोगों के बीच फैलाने के लिए मीडिया अभियान चलाने की आवश्यकता को समझती है, लेकिन उन्हें लगता है कि योजना के उद्देश्यों को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पैनल का नेतृत्व महाराष्ट्र भाजपा की लोकसभा सांसद हिना विजय कुमार गावित कर रही हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और डेविड मलान की बेहतरीन साझेदारी ने एशेज के पहले टेस्ट में जान फूंक दी है। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने 220 रन पर 2 विकेट के साथ दिन को खत्म किया, जिसमें रूट और डेविड मलान ने 159 रन की साझेदारी की। दिन के अंत तक जो रूट 86 और डेविड मलान 80 रन पर खेल रहे थे। फिलहाल इंग्लैंड दूसरी पारी में 58 रन से पीछे है। अगर इंग्लैंड इस ट्रेल को खत्म कर लेती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को मैच की चौथी पारी के लिए लक्ष्य देगी। यूनाइटेड किंगडम की एक गैर आधिकारिक और स्वतंत्र अदालत ने फैसला सुनाया है कि चीन शिंजियांग क्षेत्र में वेगर और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के नरसंहार का दोषी है। वेगर ट्रिब्यूनल के मुखिया और प्रमुख मानवाधिकार वकील सर जेफरी नाइस क्यूसी ने कहा कि चीनी सरकार ने समूह की आबादी को कम करने के लिए मुस्लिम वेगर आबादी को जबरन जन नियंत्रण और नसबंदी नीतियों के साथ निशाना बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे। आप और खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamachar.com पर भी जा सकते हैं।